दोस्तों, अगर आप भी इंडिया में बैठे बैठे अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप भी इंडिया में बैठे बैठे अपने प्रोडक्ट्स यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, सऊदी अरेबिया, इन सब कंट्रीज में सेल करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप भी रुपीज़ के अलावा डॉलर्स, पॉन्ड्स, दिरहम्स में कमाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, अमेज़न ग्लोबल सेलिंग, हो सकता है आप में से बहुत लोगों को इसके बारे में पता हो और बहुत सारे लोगों को ना पता हो, तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक क्लिप देख लीजिए आप। हमारी कंपनी की शुरुआत हुई थी 2015 में। हमने अमेज़न ग्लोबल पे मिड 2017 हमने शुरुआत की। हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। 10 दिन में वी वर रेडी टू सेल टू कस्टमर्स इन द यूएस। हमने एक छोटे से 200 स्क्वायर फीट के ऑफिस से स्टार्ट किया था। एक ही एम्प्लॉई थी और हम लोग खुद ही पैक करते थे, खुद ही डिलीवरी करते थे। और अब मोर देन 100 एम्प्लॉयज़, 10,000 स्क्वायर फीट का हमारा फैक्ट्री है और हम लोग 15 कंट्रीज़ में बेच रहे थे। सो आई टेल पीपल, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है। यू हैव एक्सेस टू लैक्स एंड लैक्स ऑफ कस्टमर्स एट द क्लिक ऑफ अ बटन। हमें हमारे प्रोडक्ट्स पे बहुत नाज है। हम हमारे क्वालिटी और डिज़ाइंस में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और उसी वजह से आज वर्ल्ड वाइड हमारे प्रोडक्ट्स का इतना डिमांड बढ़ रहा है। दोस्तों, इन्होंने 2017 में अमेज़न पे ग्लोबल सेलिंग शुरू की और सिर्फ एक एम्प्लॉय के साथ शुरू की थी और आज इनके पास 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। ये टॉयज़ की कैटेगरी में डील करते हैं। इन्होंने अपना ब्रांड बनाया, अपनी क्वालिटी और अपने डिज़ाइन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इसलिए वर्ल्ड वाइड ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पा रहे हैं और आज की डेट में 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। अपना बिजनेस इन्होंने वर्ल्ड वाइड ग्रो कर लिया है। दोस्तों, आपको भी अपना ब्रांड बनाना है, आप भी शुरू कर सकते हो अमेज़न ग्लोबल सेलिंग। अमेज़न ग्लोबल सेलिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो पूरी वीडियो जाकर ज़रूर देखना। अब अमेज़न ने अपने ग्लोबल सेलिंग में एक कंट्री और ऐड कर ली है, सऊदी अरेबिया। आप सऊदी अरेबिया में अपने प्रोडक्ट्स इंडिया से ही सेल कर सकते हो। देखो, दुबई और सऊदी अरेबिया, इन दोनों कंट्रीज़ में सेल करने का क्या फ़ायदा है? एक तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप US, UK, जर्मनी, ये सब कंट्रीज चूज़ करते हो तो आपको पर मंथ $40 पे करने होंगे, लेकिन अगर आप दुबई और सऊदी अरेबिया चूज़ करते हो तो आपको कुछ भी पे नहीं करना, कोई फीस, मंथली फीस पे नहीं करनी। और जो वहाँ के कस्टमर्स हैं दुबई और सऊदी अरेबिया के, उनका जो टेस्ट है ना प्रोडक्ट के मामले में, वो लगभग इंडिया के जैसा ही है। देखो, आप अपना ब्रांड बनाओ, कोई भी प्रोडक्ट पकड़ो और एक्सपोर्ट करना शुरू कर दो। अगर आप कोई ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करते हो तो आई थिंक उसका इतना फ़ायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ब्रांड्स तो मिलते ही हैं। अगर आप कोई भी ब्रांड सेल करो, सपोज करो आप शूज़ में एडिडास, नाइकी, प्यूमा सेल करो, वहाँ पे ऑलरेडी ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, तो ये सब ब्रांड सेल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना ब्रांड बनाकर उसको सेल करो तो आप अच्छे से ग्रो कर पाओगे। तो दोस्तों, अब आप सऊदी अरेबिया में भी सेल कर सकते हो। और जिन्होंने मेरी ग्लोबल सेलिंग की वीडियो नहीं देखी, उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखना, आपको बहुत हेल्प करेगी ग्लोबल सेलिंग में। तो ये थी मेरी वीडियो ग्लोबल सेलिंग के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में किसी और नए फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।